नमस्कार, मेरा नाम नीरज है, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं। बोलचाल की भाषा में इसे आईएएस की परीक्षा भी कहा जाता है। दिल्ली जैसे तमाम छोटे बड़े शहरों में छात्र इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और हर साल टॉप करने वाले अभ्यर्थी उनके लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं होते हैं। उनकी सैकड़ों रातों की मेहनत के चलते टॉप करने वाले छात्र या पास होने वाले छात्र एक झटके में स्टार बन जाते हैं। इस साल भी कुल 759 लोग, जिसमें 577 पुरुष हैं, 182 महिलाएं स्टार बने हैं। लोग सोशल मीडिया पर इन्हें खोज कर इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, बधाई देना चाहते हैं। तैयारी करने वाले लोग सफलता के गुर इन लोगों से जानना चाहते हैं। इस साल के टॉप 5 कैंडिडेट्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आइए जानते हैं कौन है ये होनहार जिन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को फतह किया है। पहले नंबर पर कनिष्क कटारिया हैं। कनिष्क कटारिया जयपुर से हैं। वो अपनी सफलता पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। करे भी कैसे, लाखों होनहार छात्रों के बीच पहला स्थान लाना, पहली रैंक लाना कोई आम बात नहीं है। अपनी इस सफलता पर कनिष्क ने कहा कि मुझे पहली रैंक मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं मोरल सपोर्ट के लिए अपने माता पिता और अपनी गर्लफ्रेंड का शुक्रिया अदा करता हूं। लोग मुझसे एक अच्छा प्रशासक बनने की उम्मीद रखते हैं और मेरी यही मंशा है। कनिष्क आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हैं और 1.5 साल साउथ कोरिया में नौकरी कर चुके हैं। इसके बाद वो बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में नौकरी करने लगे, लेकिन फिर सिविल सर्विसेज में आने का मन बनाया और अपने पहले ही अटेम्प्ट में परीक्षा पास कर ली। कनिष्क के पिता सावरमल वर्मा राजस्थान में ही आईएएस हैं। इनके ताऊजी केसी वर्मा भी आईएएस हैं, वो जयपुर के संभागीय आयुक्त हैं। कनिष्क के पापा चाहते थे कि वो सिविल्स की तैयारी करें, उन्हें बात जम गई और नतीजा पूरे देश के सामने है। अब दूसरा नाम, अक्षत जैन। दूसरा नंबर मिला है अक्षत जैन को। वो 23 साल के हैं, सिर्फ 23 साल के। सोचिए जब उम्र पूरी होगी तो तब वो उस दौर में कहां पहुंच गए होंगे। और रोबोट बनकर पढ़ाई करने में भरोसा नहीं करते। अपने सिलेक्शन पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय मैं भगवान, मेरे परिवार और मेरे दोस्तों को देना चाहता हूं। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे खूब पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक मशीन की तरह काम नहीं कर रहा था। मैं ब्रेक लेता था और दोस्तों के साथ बाहर भी जाया करता था। कनिष्क की तरह अक्षत भी जयपुर के रहने वाले हैं और आईआईटी से ही पढ़े हैं। उनके पिता धर्मचंद्र जैन आईपीएस हैं और माँ सिम्मी आईआरएस। दोनों ही 1991 बैच के ऑफिसर्स हैं। अक्षत का ये दूसरा अटेम्प्ट था। उनका पहला अटेम्प्ट साल 2017 में था, तब वो केवल 2 नंबर से चूक गए थे। अक्षत ने आईआईटी गुवाहाटी से डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन किया है। जुनैद अहमद, तीसरा स्थान मिला है जुनैद अहमद को। जुनैद उत्तर प्रदेश के नगीना कस्बे के रहने वाले हैं। ये बिजनौर जिले में पड़ता है। पिछले साल उन्हें 352वीं रैंक मिली थी। फिलहाल वो फरीदाबाद में आईआरएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनके पापा वकील हैं और माँ होममेकर। आईआरएस बनने के बाद भी वो तैयारी करते रहे और आईएएस बनने के अपने सपने को पूरा कर ही लिया। सफलता के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे किया जाता है, जुनैद इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। उन्होंने बताया कि मेरे पास सीनियर्स की बताई कुछ किताबें थीं जिन्होंने बेस बनाने में मेरी मदद की, लेकिन इंटरनेट ने मेरी बहुत मदद की। सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। इंटरनेट के अच्छे यूज ने मेरी मदद की। मुझे लिस्ट में आने की उम्मीद थी, लेकिन तीसरी रैंक की उम्मीद नहीं थी। अब आप चौथा नाम जानना चाहेंगे, वो नाम है श्रेयांश कुमट। चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने वीडियो बनाकर सबका शुक्रिया अदा किया है। वो इस सफलता पर बोले, मैं अपने घर वालों, दीदी और दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आगे मेरा यही लक्ष्य है कि जैसे जैसे जिम्मेदारियां मिलती रहीं उन्हें निभाता रहूं। तैयारी कर रहे छात्रों के मन में सवाल जरूर रहता है कि कितने घंटे पढ़ा जाना चाहिए। इसके जवाब में श्रेयांश कह रहे हैं कि ये फिक्स नहीं था कि एक दिन में कितना पढ़ना है, लेकिन कोशिश की कि दिन में 6 से 10 घंटे पढ़ाई कर सकें। घंटे से ज्यादा टॉपिक पूरे करने पर जोर रहता था। टॉप रैंक में आने के बारे में नहीं सोचा था। उम्मीद थी कि टॉप 100 में आ जाऊं तो आईएएस मिल जाएगा। परीक्षा के लिए त्याग के बारे में पूछे जाने पर वो बोले कि त्याग तो
कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ सालों से कटा हुआ था, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ा था, कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई को दे पाऊं। अब आती है पांचवी रैंक। पांचवी रैंक मिली है सृष्टि जयंत को। वो महिला अभ्यर्थियों में पहले स्थान पर हैं, भोपाल की रहने वाली हैं और ये उनका पहला प्रयास था। साल 2018 में भोपाल की राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। उनके पिता पेशे से इंजीनियर हैं और माता टीचर। सृष्टि ने 23 साल की उम्र में परीक्षा पास की है। अपनी जिद को वो सफलता का अहम कारण मानती है। ये मेरे बचपन का सपना था, वो कह रही है। यूपीएससी परीक्षा एक लंबी यात्रा है जहां आप 1 से 1.5 साल तक पूरी तरह कमिटेड रहते हो। मेरे माता पिता, परिवार, दोस्तों और अध्यापकों ने मेरा साथ दिया, इसलिए सारा श्रेय भी उन्हीं का है। मैंने तय कर लिया था कि ये मेरा पहला और आखिरी प्रयास है। मैंने एक ही प्रयास में सफलता पाने का दृढ़ निश्चय किया था और ये भागीरथ प्रयास उनका सफल रहा। इनके अलावा बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में जानकर आप नई ऊर्जा से भर जाएंगे। उनका संघर्ष, सपने और उनको साकार करने की यात्रा का नाम ही यूपीएससी है। बाकी कहानियां आपको मौका मिलेगा तो जरूर सुनाएंगे। फिलहाल टॉप 5 के इन पांचों लोगों को दी ललन टॉप की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आप अच्छे व्यक्ति बने, आप अच्छे ऑफिसर बने और इस देश के काम आए, ये हमारी आपसे उम्मीद है। तो ये वीडियो यहीं तक। आपको हमसे क्या उम्मीद है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉइड फोन पर डाउनलोड करना ना भूलें। साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।